आज के वीडियो में हम फॉर्मूला मेन्यू के मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को पढ़ेंगे। देखिए, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस की इस पहली सीरीज में आज हम एब्सोल्यूट, साइन, कॉम्बाइन, कॉम्बाइन ए, पावर, स्क्वायर रूट, रोमन, एलसीएम, जीसीडी, राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन, इंट, फैक्ट, सीलिंग, फ्लोर, ऑड, इवन, डिग्री और रेडियंस कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एब्सोल्यूट फंक्शन करेंगे। देखिए, एब्सोल्यूट में जो भी आपका गिवन वैल्यू होता है, अगर वो निगेटिव है या पॉजिटिव है, तो यह फंक्शन, एब्सोल्यूट फंक्शन, उसके साइन को हाइड कर देता है। इसके लिए आप इस फंक्शन को दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप फॉर्मूला मेन्यू पर क्लिक करके और मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री में जाएँ आप और एबीएस फंक्शन को यूज़ में लें, और यहाँ पर आप जो भी सेल एड्रेस है या आप डायरेक्ट वैल्यू डाल के भी यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम कर सकते हैं। यहाँ अभी हम सेल रेफरेंस को काम में ले लेते हैं। तो देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे -10 पे क्लिक करता हूँ, E3 सेल एड्रेस आ रहा है, तो यहाँ पर रिजल्ट में निगेटिव साइन को हाइड कर देता है। इसका मतलब यह है कि यह जो भी हम नंबर डालते हैं, उस जो भी वैल्यू हम लेते हैं, उस वैल्यू में केवल हमें साइन को हटा करके प्योर वैल्यू डिस्प्ले करता है। जैसे यहाँ अगर मैं 50 लिखता हूँ तो उसका रिजल्ट मुझे 50 मिलेगा, क्योंकि किसी भी वैल्यू के पहले या किसी भी नंबर के पहले अगर हम कोई साइन नहीं लगाते हैं तो वह बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव ही होती है। लेकिन यदि अगर मैं यहाँ पर -50 लिखता हूँ तो उसका रिजल्ट भी एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर, देखिए यहाँ पर आंसर में 50 ही शो कर रहा है। अब यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नंबर -50 लिख दिया है और अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर इसका एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम करना, तो उसके लिए सबसे पहले आप इक्वल लगाएंगे और डायरेक्ट फंक्शन अप्लाई करने के लिए आप एबीएस लिखें। एबीएस के बाद में देखिए यहाँ पर एबीएस फॉर्मूले में डिस्प्ले कर रहा है, और यहाँ पर आप ब्रैकेट का यूज़ करेंगे शिफ्ट के साथ 9 वाला, और उसके बाद में आप जिस भी सेल रेफरेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू हमें मालूम करनी है उस वैल्यू पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर हमने E3 सेल पे क्लिक किया है, ब्रैकेट्स क्लोज करेंगे आप, शिफ्ट के साथ 0 की प्रेस करेंगे, और जैसे आप एंटर की को प्रेस करेंगे ये एब्सोल्यूट वैल्यू बता देता है। साइन वैल्यू जो है वो एब्सोल्यूट का बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि किसी भी नंबर में जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू देखते हैं तो वो साइन हाइड कर रहा था, जबकि साइन फंक्शन में हम जो भी वैल्यू यहाँ पर डालेंगे, जो भी हम नंबर यहाँ पर लेते हैं, वह आंसर में ये बताता है कि कौन सी निगेटिव वैल्यू है और कौन सी पॉजिटिव वैल्यू है। जैसे सपोज़ कीजिए मैंने -50 डाला है, अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये वैल्यू निगेटिव है या पॉजिटिव है, तो जितनी भी निगेटिव वैल्यूज़ होगी उसके लिए ये -1 लिखेगा, और जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज़ होगी उसके लिए 1 लिखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सबसे पहले मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम साइन ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर साइन ऑप्शन पर क्लिक किया है, उसके बाद में ये हमसे सेल रेफरेंस मांग रहा है। सेल रेफरेंस से आप कोई वैल्यू भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चूंकि यहाँ पे सेल रेफरेंस से काम में लेना है तो यहाँ पर मैंने -50 वाले सेल पे क्लिक कर दिया है जो कि E6 है, और यहाँ पर देखिए आंसर -1 शो कर रहा है। अब जैसे आप ओके करेंगे तो आप रिजल्ट -1 शो कर रहा है। -1 का डिस्प्ले करना साइन फंक्शन में इस बात को इंडिकेट करता है कि जो आपका वैल्यू है, वह जो वैल्यू है या जो नंबर आपने डाला हुआ है, वह निगेटिव नंबर है। अगर मैं यहाँ पर 50 डालता हूँ तो देखिए यहाँ पर 1 शो कर रहा है। इसका मतलब यह है कि यह वैल्यू जो अभी आपने नंबर में डाला है, जिसको आप चेक करना चाह रहे हो, पॉजिटिव है। इसी तरीके से कई बार हमें ऐसा होता है कि एन नंबर गिवन होते हैं और उनमें से हमें एम नंबर्स को सिलेक्ट करना होता है, और हम ये देखना चाहते हैं कि उनकी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कितनी होगी। जैसे सपोज़ कीजिए कि मेरे पास 5 टॉफीज़ हैं और मैं उनको 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि यदि मैं 5 टॉफीज़ को अगर 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो उसको कितने तरीके हो सकते हैं। तो उसके लिए हम कॉम्बिन फंक्शन को यूज़ में लेंगे, और उसके लिए हमें इक्वल लगाना है, या आप डायरेक्ट फंक्शन के थ्रू भी आप जा सकते हैं। तो फंक्शन के लिए आप फार्मूला मेन्यू के मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री में जाएँ और फिर कॉम्बिन को सिलेक्ट कर लें। देखिए यहाँ पर मैंने कॉम्बिन फंक्शन लिया है, कॉम्बिन में नंबर पूछा है, नंबर का मतलब है कि आपके पास टोटल नंबर्स कितने हैं, या टोटल जो मैंने अभी टॉफीज़ का एग्जाम्पल लिया है तो मैंने यहाँ पे ले लिया है नंबर ऑफ जो टॉफीज़ हैं वो मेरे पास 5 हैं और वो E9 सेल में, तो यहाँ पर हमने E9 को इंडिकेट किया है। नंबर चूजन का मतलब है कि नंबर ऑफ़ डिस्ट्रीब्यूशन कितने हैं, तो यहाँ पर मैंने 3 ले लिए नंबर चूजन में, यानी कि F9 सेल ले लिया है। तो यहाँ पर यह है,
हमें बताता है कि 10 ऐसे तरीके हैं कि जिनसे आप उन टॉफ़ीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इसका मतलब यही कि हो सकता है कि मैं दो लोगों को एक एक टॉफ़ी दूँ और बची जो 3 टॉफ़ीज़ हैं वो मैं किसी थर्ड पर्सन को दे दूँ। अब यही चीज़ मैं फर्स्ट और थर्ड के साथ एक एक टॉफ़ी दे सकता हूँ और सेकंड पर्सन को बची हुई टॉफ़ीज़ दे सकता हूँ, या सेकंड और थर्ड को मैं एक एक टॉफ़ी दे दूँ और फर्स्ट को मैं बची हुई 3 टॉफ़ी दे दूँ। ये पॉसिबिलिटीज ये भी बनती है कि पहले और दूसरे बंदे को हम दो दो टॉफ़ी दे दें और थर्ड बंदे को हम एक टॉफ़ी दे दें। इस तरीके से अगर हम इन टॉफ़ीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं कि नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ कितनी होगी, तो ये हमें टोटल पॉसिबिलिटीज़ बताएगा कि यहाँ पर टोटल पॉसिबिलिटीज़ मेरी 10 हैं। इसी तरीके से सपोज़ कीजिए कि 15 मेंबर्स हैं क्रिकेट टीम में और 15 मेंबर्स में से मुझे 11 प्लेयर्स की क्रिकेट टीम तैयार करना है, तो यहाँ पर नंबर चूजन में हम 11 करेंगे, तो 1365 तरीके ऐसे हैं कि जिनसे मैं उस टीम को सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसी तरीके से सपोज़ कीजिए यहाँ पर हमने एक बार में केवल एक ही नंबर को सिलेक्ट किया है। सपोज़ कीजिए कि मैं नंबर को रिपीट करता हूँ, अगर मुझे नंबर्स को रिपीट करना है तो मैं उस समय कॉम्बिन ए फंक्शन काम में लूँगा सिलेक्शन के लिए। वैसे हमें सिंपल कॉम्बिनेशन के लिए विदाउट रिपीटेशन के लिए कॉम्बिन फंक्शन को ही काम में लेना है, लेकिन अगर मैं विद रिपीटेशन अगर काम में लेना चाहता हूँ तो उसके लिए हम कॉम्बिन ए फंक्शन काम में लेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने देख लिया कि मेरे पास 5 टॉफ़ीज़ हैं, 3 लोगों में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसको मैं रिपीट भी कर सकता हूँ। तो उसके लिए हमें मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्बिन ए फंक्शन पे जाना है और यहाँ पर नंबर में मैं E12 डाल दूँगा और नंबर चूजन में मैं 3 इंडिकेट कर दूँगा यहाँ पर, और उसके बाद हम ओके करेंगे तो इसकी जो नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ है वो 35 हो जाएंगी। इस तरीके से आप कॉम्बिन और कॉम्बिन ए में यूज़ ले सकते हैं। कॉम्बिन के अंदर आप ये ध्यान रखें कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो रिपीट नहीं करेगा। जैसे मैंने 5 टॉफ़ीज़ को अगर 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है जबकि मुझे कभी भी रिपीटेशंस नहीं करना है ऑर्डर का, तब बस तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो पॉसिबिलिटीज़ है वो 10 आएंगी। और यदि अगर मैं टोटल 5 मेरे पास टॉफ़ीज़ हैं और 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ और यदि मैं नंबर्स को रिपीट भी करना चाहता हूँ तो उस केस में मुझे जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ आएंगी वो 35 आएंगी। इसी तरीके से सपोज़ कीजिए कि आप किसी भी नंबर का पावर मालूम करना चाहते हैं। पावर से मतलब है देखिए यहाँ पावर से मतलब है कि जैसे मैं 2 की पावर 3 को सोल्व करना चाहता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखें पावर्स के आगे मैंने नंबर्स लिखे हैं 5 और पावर लगा हुआ है 2, तो इसको अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे नंबर में 5 डालेंगे और पावर में हम 2 डाल देंगे और उसके बाद में अगर मुझे आंसर निकालना है तो यहाँ पर हम इक्वल करेंगे और इक्वल करने के बाद में आप लिखेंगे पावर POWER। और देखिए जैसे आप स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ में लेते हैं यहाँ पर ही आपसे पूछता है कि आपको नंबर डालना है, तो नंबर में तो हम यहाँ पर इस सेल का रेफरेंस को टाइप कर देंगे E15 को, फिर यहाँ पे कोमा फार्मूला के अंदर शो कर रहा है, देखिए यहाँ पे फार्मूला कोमा में शो हो रहा है तो हमें कोमा लगाएंगे और उसके बाद पावर के अंदर हम F15 को यूज़ में लेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे। इसी तरीके से 5 की पावर 2 यानी कि 5 का स्क्वायर 25 होगा। इसी तरीके से अगर अगला फंक्शन में 3 की पावर 4 यूज़ करना चाहता हूँ तो अब सिंपली आपको नंबर में 3 करना है, पावर में आपको 4 करना है और देखिए यहाँ पे 3 की पावर 4 जो है 81 हो गया है। इसी तरीके से अगर आप 2 की पावर 5 देखना चाहते हैं तो नंबर में 2 आएगा, पावर में 5 आएगा और यहाँ पे 2 की पावर 5 का मतलब हो जाएगा 32। इस तरीके से आप जो यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स दिए हैं या आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल्स लेके और पावर्स के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से देखिए जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि उस नंबर के ऊपर 0.5 पावर रेज कर जाती है। तो यहाँ पर हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हम क्या करें पावर के अंदर ही नंबर को 25 ले लें और जो पावर है हमारी वो हम 0.5 कर दें, तो देखिए यहाँ पर 25 का अंडर रूट 5 निकल जा रहा है। या आप डायरेक्टली स्क्वायर रूट फंक्शन को भी काम में ले सकते हैं, उसके लिए फंक्शन है SQRT। तो यहाँ पर जैसे मैंने नंबर 25 लिखा है और जब मुझे इसका आंसर निकालना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल लगाएंगे SQRT लिखेंगे ब्रैकेट लगाएंगे और जिस भी नंबर का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है उसका मैं यहाँ पे नंबर लिख दूंगा, सेल एड्रेस लिख दूंगा और यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो 25 नंबर है उसका जो स्क्वायर रूट है वो यहाँ पर 5 आ गया है।
इसी तरीके से सपोज कीजिए कि आपको किसी भी नंबर को अगर रोमन में कन्वर्ट करना है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं 10 का रोमन नंबर देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप इक्वल करें और आप लिखें रोमन, और रोमन लिखने के बाद ब्रैकेट लगाने के बाद में आपको यहाँ पर उस सेल रेफरेंस को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर E21 लिख दिया है और यहाँ पर E21 सेल में मेरा 10 है, और देखिए 10 का जो रोमन नंबर लेटर है वो X होता है। इसी तरीके से अगर मैं 7 लेता हूँ तो 7 जो है वो VII होता है। इस तरीके से आप किसी भी नंबर का रोमन नंबर मालूम कर सकते हैं। लेकिन देखिए रोमन नंबर जो है थाउजेंड्स तक ही डिफाइंड है, इस वजह से अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि 10,000 रोमन नंबर का मुझे रोमन नंबर मिल जाए तो यहाँ पर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 3,000 तक देखता हूँ तो देखिए 1,000 को हम M लिखते हैं, 3,000 के MMM लिख रहा है। तो यह जो मैक्सिमम जो रोमन नंबर्स हैं कंप्यूटर में हम वहाँ थाउजेंड्स तक ही चेक कर सकते हैं। इस तरह से अगर मैं 500 लिखता हूँ तो 500 का जो रोमन नंबर है वो D होता है, तो यहाँ पर हमें D डिस्प्ले हो रहा है। इस तरीके से हमने एब्सोल्यूट साइन कॉम्बिन ए पावर स्क्वायर रूट और रोमन हमने समझ लिया है। अब इसके बाद में हम LCM देखेंगे। देखिए LCM के लिए कोई भी नंबर्स का आप लीस्ट कॉमन फैक्टर मालूम कर सकते हैं। उसके लिए आप कॉमा लगाएं और फिर आप LCM लिखें और उसके बाद में आप ब्रैकेट्स लगाएं और यहाँ पे देखिए नंबर्स को, जिन भी नंबर्स का आपको LCM निकालना है उन नंबर्स को आप कॉमा लगा कर लिखते जाएं। जैसे 2,5,15 का मुझे अगर LCM निकालना है तो हम लिखेंगे ब्रैकेट्स में 2,5,15, और जैसे आप इसको एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2, 5 और 15 का जो LCM है वो आपको यहाँ पर सोल्व करके कंप्यूटर बता देगा। जैसे 2, 5 और 15 का यहाँ LCM 30 आ रहा है। इसी तरीके से यदि आपको किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर निकालना है, यानी कि GCD निकालना है, तो उसके लिए आप इक्वल लगाएंगे, GCD लिखेंगे, ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे और यहाँ पर जिन भी नंबर्स का आपका GCD निकालना है, जैसे 10 का, 15 का, 25 का, और आप इसको एंटर की प्रेस करें तो ये आपको GCD बता देगा कि 10, 15 और 25 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर है वो 5 होगा। इसी तरीके से आप किसी भी नंबर को अगर राउंड करना चाहते हैं, देखिए राउंड के अंदर यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस हैं, एक तो राउंड है, एक राउंड अप है और एक राउंड डाउन है। तीनों के अपने अलग अलग यूजेज हैं। राउंड में हम नॉर्मल राउंड करते हैं, यानी कि 50 पैसे तक जितना भी राउंड फिगर होगा वह पूरा एक रुपया बनाएगा, और यदि अगर हम 50 पैसे के नीचे लेकर के जाएंगे तो वह उस पैसे को इग्नोर कर देगा। जैसे यहाँ पर नंबर मैंने डाला 10.59 कर देता हूँ मैं, तो यह 10.50 से ज़्यादा है नंबर ऑफ डिजिट। जैसे सपोज कीजिए कि मुझे इसको पूरा राउंड करना है तो हम यहाँ पे 0 लेंगे और यहाँ पर हम आंसर में इक्वल करेंगे, राउंड लिखेंगे और उसके बाद में ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे और 10.59 का सेल रेफरेंस मैंने I7 डाल दिया है, कोमा लगाएंगे और उसके बाद में राउंड में हम डाल देंगे J7, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो देखिए 10.59 यानी कि 10.59 रुपये का जो राउंड फिगर है वो 11 होगा, और यदि मैं यहाँ पे 10.49 करता हूँ जो कि 50 से रिड्यूस है, तो यहाँ पर ये 10.49 रुपये को नॉर्मल राउंड में 10 रुपये करता है और यहाँ पे 10 ही हो जाएगा। लेकिन सपोज कीजिए अगर मैंने नंबर ऑफ डिजिट में 0 के स्थान पर अगर 1 रखा है तो इसका मतलब है कि डेसिमल्स के बाद के डिजिट को राउंड करेगा, यानी कि अगर यहाँ पे 10.49 है तो ये एक डिजिट तक, यानी कि 10.4, यानी कि जो 4 है इसको राउंड फिगर करेगा, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 के आगे का जो फिगर है वो 9 है जो कि 5 से ज़्यादा है, इस वजह से ये यहाँ पर इसको 10.5 कर रहा है। इस तरीके से आप अगर पूरा अगर राउंड करना चाहते हैं, आप डेसिमल प्लेसेस नहीं रखना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ डिजिट्स में यहाँ पे 0 ही मार्क रखेंगे। इसी तरीके से राउंड अप में जैसे मैंने यहाँ पे 10.49 किया है और नंबर ऑफ राउंड अप के अंदर मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट 0 कर दिया है, और अब अगर मैं यहाँ पे आंसर शो करेंगे तो देखिए जैसे आप इक्वल करेंगे आपको लिखना है आपके पास राउंड अप, ब्रैकेट लगाना है और फिर आपको 10.49 सेल पे क्लिक कर देना है, I10 कोमा नंबर ऑफ डिजिट J10 सेल में है आपको डाल देना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो राउंड अप के अंदर यह हमेशा राउंड अप ही करेगा, यानी कि नॉर्मल राउंड में तो 10.49 रुपीज़ जो है वो 10 होना चाहिए था, लेकिन चूंकि हमने राउंड अप यूज़ कर रहे हैं तो यह हमेशा डिजिट को आगे ही कन्वर्ट करेगा, यानी कि 10.49 रुपये जो है वो हिसाब से 10 होना चाहिए, लेकिन राउंड अप फंक्शन हमेशा इसको 11 ही करेगा। इसी तरीके से राउंड डाउन राउंड अप का अपोजिट होगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पर यदि 10.6
79 करता हूँ तो हिसाब से तो 11 रुपये हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जब मैं राउंड डाउन को इस्तेमाल करूँगा, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर राउंड डाउन इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो राउंड डाउन के बाद में जिस भी नंबर का मुझे राउंड डाउन करना है वो नंबर मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे मैंने 913 सेल रेफरेंस डाल दिया है और नंबर ऑफ़ डिजिट्स के अंदर यहाँ पर हमने J13 यूज़ लिया है और ब्रैकेट क्लोज एंटर की प्रेस करती, देखिए 10.79। अगर नॉर्मल राउंड हम करते तो 11 रुपीज़ में कन्वर्ट होना था, लेकिन चूंकि हम फंक्शन कर रहे हैं राउंड डाउन, तो राउंड डाउन में ये हमेशा 1 डिजिट डाउन ही करेगा, यानी कि 10.79 को 11 रुपीज़ में ना कन्वर्ट करके यह 10 रुपीज़ में ही कन्वर्ट करेगा। इसी तरीके से जो इंटीजर फंक्शन है, किसी भी डेसिमल वैल्यू में देखिए इंटीजर पार्ट होता है डेसिमल के पहले का और डेसिमल पार्ट होता है डेसिमल के बाद का, यानी कि अगर मैं 10.09 में अगर इंटीजर पार्ट देखता हूँ तो भैया 10 है, तो यहाँ पर यह INT फंक्शन आप यूज़ करेंगे और INT के अंदर ब्रैकेट्स के बाद में यदि अगर आप इस सेल का रेफरेंस यानी कि I19 यूज़ करेंगे तो यह 10 कर देगा। अब यहाँ अगर आप 10.89 भी करोगे तो इसमें जो इंटीजर सेक्शन है वो 10 ही है, तो यहाँ पर 10.89 को भी 10 ही रखेगा। तो आप यहाँ ध्यान रखिए कि डेसिमल वैल्यू का यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंटीजर पार्ट में हमेशा डेसिमल के पहले के जितने भी नंबर्स होंगे केवल उन्हीं को लिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पे 11 पॉइंट अगर मैं 25 कर रहा हूँ तो इसका जो इंटीजर सेक्शन है वो डेसिमल के पहले 11 है तो 11 ही आएगा। आप यहाँ पर कितना भी बड़ा नंबर देख सकते हैं और कितनी भी डेसिमल वैल्यूज़ को आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये हमेशा डेसिमल के पहले के वैल्यूज़ को ही आंसर में डिस्प्ले करेगा। तो किसी भी अगर डेसिमल वैल्यू का हमें इंटीजर पार्ट लिखना हो तो आप इंट फंक्शन को यूज़ करेंगे जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीजर। इसी तरीके से अगर आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो आप पहले उस नंबर को मार्क करें, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर में 5 लिख दिया है, फिर फैक्टोरियल वैल्यू मालूम करने के लिए आंसर में आप इक्वल जाएँ, FACT पे जाएँ, ब्रैकेट्स लगाएँ और फिर आप इस सेल का रेफरेंस I22 ये मैंने लिख दिया है, ब्रैकेट क्लोज करें एंटर करें, तो 5 का जो फैक्टोरियल वैल्यू है वो 120 होता है, तो यहाँ पर 120 शो कर रहा है। इसी तरीके से अगर मैं फैक्टोरियल 4 की वैल्यू देखना चाहता हूँ तो फैक्टोरियल 4 24 होगा और यहाँ पर यह 24 डिस्प्ले कर रहा है। इस तरीके से हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल वैल्यू मालूम कर सकते हैं। इसके बाद अब आने वाले फंक्शंस में देखिए, ये सारे जो फंक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ यह मैं आपको डायरेक्ट लिख करके बता रहा हूँ, अगर आप भूल जाते हैं इन फंक्शंस को, जैसे आप फैक्टोरियल के बारे में भूल गए हैं कि फैक्ट फंक्शन कौन सा होगा, या आप राउंड डाउन के बारे में अगर भूल गए हैं तो कोई इशू नहीं है, आपको फॉर्मूला मेन्यू पे क्लिक करना है और मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आना है और यहाँ देखिए आप राउंड डाउन जब स्क्रॉल डाउन करेंगे माउस से तो यहाँ पर देखिए ये राउंड डाउन ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पे राउंड डाउन में आपको नंबर के अंदर उस नंबर पे क्लिक कर देना है जिस वैल्यू को हमें राउंड डाउन करना है, उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट में 0 प्लेसेस जो हमने मार्क किए हैं वो हम ले लेंगे, ओके कर देंगे। तो आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, चॉइस आपकी है कि यदि अगर आपको फंक्शन के बारे में नॉलेज है तो आप डायरेक्टली इक्वल लगा करके उस फंक्शन को यूज़ में ले सकते हैं, और यदि अगर हम उस फंक्शन को भूल गए हैं या उसका कई बार हमें स्पेल मिस्टेक हम कर देते हैं, तो उसके लिए आप उस चीज़ से बचने के लिए, उस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे जाएं और वहाँ से उस फंक्शन को सिलेक्ट करके भी इन फंक्शंस को यूज़ में ले सकते हैं। इसके बाद में आने वाले फंक्शंस में देखिए हम करेंगे सीलिंग। देखिए सीलिंग का मतलब होता है छत, तो यहाँ पर आप जो भी वैल्यू लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 10.25 लिखा है और सिग्निफिकेंस जब मैंने 1 करा है इसका मतलब है 1 डिजिट को ये राउंड अप करेगा, और यह फंक्शन हमेशा राउंड अप ही करेगा, यानी कि जो फंक्शन अभी हमने राउंड अप में किया था वो हम सीलिंग में भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको इक्वल करना है, सीलिंग की स्पेलिंग लिखना है आपको, और उसके बाद में आपको ब्रैकेट क्लोज करना है, सॉरी ब्रैकेट इनिशियलाइज करना है, उसके बाद में हमें नंबर के अंदर 10.25 का सेल रेफरेंस M3 टाइप कर देना है, कोमा में सिग्निफिकेंस जो हमने यहाँ पे डाला है जिसका सेल रेफरेंस N3 है वो आपको डाल देना है, ब्रैकेट्स क्लोज करने और एंटर की प्रेस कर देना है। तो देखिए यहाँ पे 10.25 अगर हम नॉर्मल राउंड करते हैं तो वह 10 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंस का मतलब होता है 1 डिजिट, तो 1 डिजिट अप करेगा, यानी कि 10.25 जो है उसको 11 करेगा, यहाँ पर अगर 10.95 है या 98 है तो उसको भी 11 ही करेगा। फ्लोर का मतलब होता है फर्श, यानी कि ये हमेशा जो भी आप नंबर डालेंगे उसकी फ्लोर वैल्यू बताएगा, यानी कि उसको हमेशा राउंड डाउन करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे 10.78 लिखा है,
सिग्निफिकेंस वन डिजिट में इसको राउंड डाउन करना चाहता हूँ तो उसके लिए आपको इक्वल करना है, फ्लोर लिखना है, ब्रैकेट को क्लोज इनिशियलाइज करना है, उसके बाद में 10.78 का सेल रेफरेंस M6 यहाँ टाइप करना है, कोमा लगाना है, और यहाँ पर मैंने सिग्निफिकेंस का जो सेल रेफरेंस है मेरा N6 है तो यहाँ पर मैंने N6 मार्क कर दिया है, ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया, एंटर की प्रेस कर दी। देखिए यहाँ पर 10.78 को अगर मैं नॉर्मल राउंड कर दूँ तो 11 होना चाहिए, लेकिन ये फंक्शन ही फ्लोर है तो नाम से ही आप इसको जान लें कि फ्लोर का मतलब है कि ये राउंड डाउन ही करेगा, और सिग्निफिकेंस क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 लिया है तो ये 1 डिजिट को ही राउंड डाउन करेगा। इस तरीके से 10.758 जो है वह राउंड डाउन हुआ है फ्लोर में और उसका रिजल्ट आपको 10 मिल रहा है। इवन फंक्शन देखिए इसमें बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, जब भी आप किसी ओड नंबर को यहाँ पे लिखेंगे तो इवन नंबर उसका नेक्स्ट इवन नंबर लिखेगा, जैसा 5 का नेक्स्ट जो इवन है वह 6 होगा तो यहाँ पर यह आंसर में 6 लिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल कर दिया है और मैंने इवन फंक्शन कॉल किया है, इवन में क्या आगे मैंने फिर ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं, उसके बाद में मैंने सेल रेफरेंस 5 का M9 ले लिया है, ब्रैकेट क्लोज करने पे देखिए 5 का जो नियरेस्ट या नेक्स्ट जो उसका इवन नंबर होगा वो 6 होगा। अब यहाँ पर अगर मैं 7 डाल रहा हूँ तो देखिए 7 का नेक्स्ट जो इवन नंबर वो 8 है, लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर इवन नंबर ही टाइप करता हूँ तो यह आंसर में उस इवन नंबर को एज इट इज रखेगा, क्योंकि यह फंक्शन कन्वर्ट करता है ओड नंबर को इवन नंबर में, यानी कि विषम संख्या को सम संख्या में, लेकिन अगर हम इवन नंबर ही लिख देंगे तो यह कोई चेंजेस नहीं क्रिएट करेगा, उस नंबर को एज इट इज मार्क कर देगा। इसी तरीके से जो ओड है वो इवन का अपोजिट है, यानी कि अगर मैंने यहाँ पर कोई भी इवन नंबर लिखा है और उसका अगर मैं नेक्स्ट ओड चाहता हूँ तो यहाँ पर हम देखिए 16 का ओड नंबर चाहते हैं, 16 हमारा इवन नंबर है, सम संख्या है, तो इसका जो ओड नंबर होगा विषम संख्या वो इक्वल लिखना है, ओड करना है, ब्रैकेट मैंने क्लोज किया इनिशियलाइज किया और यहाँ पर हमने M12 सेल रेफरेंस डाला है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो 16 का आगे का जो ओड नंबर है वो आ रहा है 17 और यहाँ पे 17 मार्क हो गया है, लेकिन यदि मैं यहाँ पर ओड नंबर ही लिखता हूँ तो यह किसी प्रकार का चेंजेस क्रिएट नहीं करेगा, उस ओड नंबर को एज इट इज ही टाइप कर देगा। इस तरीके से अगर इवन नंबर है तो वो ओड नंबर को इवन में कन्वर्ट करेगा, और यदि अगर मैंने यहाँ पर इवन नंबर दिया हुआ है तो उसका नेक्स्ट ओड नंबर टाइप करेगा। डिग्रीज में अगर आप किसी भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर मैंने एक शीट में लिखा हुआ है कि किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको ये करना है, जैसे मैंने 30 रेडियन को जो है वो हम लिखेंगे 30 × 180/π। यह अब हमें फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं इसको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करूँगा जब रेडियन जो वैल्यू होगी मेरी उसको जब मैं डिग्री में कन्वर्ट करूँगा तो यह फंक्शन ऑटोमेटिकली जो भी मल्टीप्लिकेशन करना है जो 180/π से, तो ये अपने आप ही इनबिल्ट फंक्शन है इसके, ऑटोमेटिकली ये 180/π से इसको मल्टीप्लाई करके वो डिग्री को रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर देगा। जैसे हमने यहाँ पे 30 रेडियन लिया है उसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे सिंपली हमें लिखना है इक्वल डिग्री लिखना है, और ध्यान रखिएगा ये डिग्री नहीं है डिग्रीज है। इस तरीके से कई बार हम स्पेलिंग मिस्टेक कर सकते हैं, तो उससे बचने के लिए आप इसे डायरेक्ट देखिए यहाँ पर आप फॉर्मूला में मैथन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जाए और यहाँ पे डिग्रीज को सर्च करें, देखिए डिग्रीज में और एंगल जो यहाँ पे आ रहा है वो आप एंगल का यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए, जैसे यहाँ पर M15 है, एंटर करें तो देखिए यहाँ पर ये जो 30 रेडियन था उसको इसने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरीके से जब मुझे किसी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होता है तो मुझे उस डिग्री वैल्यू को π/180 से मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन यहाँ पर रेडियन फंक्शन के अंदर हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपली वो रेडियन वैल्यू डालना है। जैसे मैंने सपोज कीजिए कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 60 डिग्री को मैं रेडियन में कन्वर्ट करके देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप 60 लिखें डिग्री में और यहाँ आप फंक्शन लगाएं रेडियंस, देखिए ये भी प्लूरल के अंदर है तो यहाँ पर आप लिखेंगे रेडियंस RADIANS और यहाँ पर ब्रैकेट इनिशियलाइज करें और 60 का सेल एड्रेस M19 टाइप किया है मैंने और ब्रैकेट को क्लोज करें, एंटर की प्रेस करें। इस तरीके से ये 60 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि 1.04719
10551। इस तरीके से मैंने आज जो आप फंक्शंस बताए हैं वह मैथमेटिकल फंक्शंस बताए हैं। इस फंक्शन के अंदर अभी हमने केवल 20 फंक्शंस किए हैं। अगला जो वीडियो आ रहा है उसके अंदर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में और जो बचे हुए मैथ के फंक्शंस हैं उनके बारे में डिटेल में बताऊँगा। धन्यवाद।